हत्याकांड में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उससे साफ है कि रणवीर की हत्या गैंग वॉर के चलते की गई। रणवीर की हत्या के पीछे शिवराज गैंग के गुर्गों का हाथ बताया जा रहा है, जिन्होंने वर्चस्व बनाए रखने के लिए रविवार शाम को खूनी खेल खेला था और हिस्ट्री शीटर रणवीर चौधरी को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत की घाट उतार दिया था। रणवीर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, मर्डर के पीछे गैंग वॉर, वर्चस्व के लिए रणवीर का मर्डर, हत्याकांड में शिवराज गैंग का हाथ। हारून, पीर मोहम्मद उर्फ पीरू, अजय हांडा उर्फ अज्जू, टिंकू खान, जुर्म की दुनिया के ये चारों वो खौफनाक चेहरे हैं जिन्होंने अपने वर्चस्व के लिए रविवार को खूनी खेल को अंजाम दिया और हिस्ट्री शीटर रणवीर चौधरी पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल ये चारों बदमाश शिवराज गैंग के गुर्गे हैं। इस मर्डर के पीछे इलाके में अपना दबदबा कायम करने की मंशा को पुलिस बड़ी वजह बता रही है। रणवीर का मर्डर श्रीनाथपुरम स्टेडियम के बाहर शिवराज गैंग के गुर्गों ने ताबड़तोड़ 20 राउंड फायर कर किया था। इसमें रणवीर के सिर, सीने, पीठ और कंधे में 15 गोलियां लगी थी। 303 की 5 गोलियों ने रणवीर के सिर को पूरी तरह से छलनी कर दिया था। कल दिनांक को लगभग 6:15 बजे के लगभग इतना मिली थी, किसी व्यक्ति की फायरिंग से हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर गई थी, वहाँ पहचान हुई कि रणवीर सिंह चौधरी जो टीचर्स कॉलोनी के रहने वाले हैं, अज्ञात व्यक्तियों ने उनको फायरिंग करके उनको मृत कर दिया। कल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को वहाँ से पहुँचाया गया, घटना का निरीक्षण किया गया। फिलहाल पुलिस ने शिवराज गैंग के इन चारों बदमाशों के खिलाफ नामजद FIR की है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने रणवीर को कॉल कर बुलाने वाले विक्रम को हिरासत में ले लिया है, लेकिन कोटा में गैंगस्टर्स की दस्तक ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। KK शर्मा, Zee Media, कोटा।